नाम तो ऐसा बनाऊंगी कि आप अपना नाम भूल जाएंगे। मेरा नाम याद रखिएगा, साइली। साइली बाबा, क्या है इसका नाम? जो है उसके नाम से अनजान, कैसे देगा उसे सपनों की उड़ान। चाली का जो घर है ना, वहाँ भूत है। भूत? क्या? मैं सच कह रही हूँ, हमारी चाल में भूत है। आप इधर आइए, बैठिए, यहाँ पानी लेकर आते हो। मैं सच कह रही हूँ। उर्मिला वेवाण, पहला तभी शांत थी जाओ। सबसे पहली बात, आप अभी अपने घर पे नहीं, हमारे घर में हैं। फिर आप इतनी घबरा क्यों रही हैं? मुझे थोड़ी सांस ले लेने तो, नहीं तो मुझे तो लगा था कि आज मेरा ऊपर का टिकट कट गया। ये लीजिए मामी जी, आराम से पानी पी लीजिए। नहीं नहीं, मुझे पानी वानी नहीं पहना। आप लोग पहले मेरी बात सुनो। जैसे ही मैं घर में दाखिल हुई, फिर एकदम से कमरे में से अजीबोगरीब डरावनी आवाजें आने लगी। मानो कोई दर्द के मारे रो रहा हो। फिर अचानक कुर्सी के सरकने की आवाज आने लगी। मैं धीरे धीरे कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी तो वैसे ही वहां से पूरी पूरी डरावनी आवाजें भी और बढ़ने लगी। जोर जोर से कोई रोने लगा और फिर खिड़कियों की खड़कने की आवाजें आने लगी। फिर दरवाजा खोलने के लिए मैंने हाथ आगे बढ़ाया और फटाक, पिछली कुल चारों ओर एकदम अंधेरा। फिर उस अंधेरे में अचानक से एक चीखने की आवाज। मैं तो कुछ सोच ही नहीं पाई, ऐसी डरावनी आवाज तो मैंने जिंदगी में कभी नहीं सुनी। मोटी मेर, अब आप लोगों को यकीन हो गया ना कि मैं मेरे घर में भूतों ने डेरा डाल दिया है। लेकिन तू वो पुराने घर में गई थी क्यों? अरे वो कल पड़ोसन का फोन आया, मेरे घर की बिजली के तार में कुछ प्रॉब्लम है, पूरी चाल में शॉर्ट सर्किट हो रहा है, तो मैंने सोचा जाके देख लूं। पर मैं इतनी डर गई थी कि मैं कमरे में जा ही नहीं पाई और देख ही नहीं पाई कि तार ठीक है या नहीं। देख, मामी जी कह रही हैं कि उनके घर में सारे वायर्स बिखरे पड़े हैं, शॉर्ट सर्किट हो रही थी, और वीडियो में भी माँ जी ये गाना जी, इसका मतलब माँ जी को मामी जी के घर पर रखा है। एक मिनट गोपी, क्या जा ऐसे दिख रहा? काकी जी, मुझे बहुत जरूरी काम है, मेरा जाना जरूरी है, मैं बाद में बात करूंगी आप। अरे पर तुम बता कर तो जाओ कि तुम कहाँ जा रही हो बेटा। काकी जी, बस पास में कहीं जा रही हूँ, मैं जाकर आ जाऊंगी जल्दी। जय श्री कृष्ण। गोपी, आप राम जी भाई, जरा आप जल्दी कीजिए ना, गाड़ी निकाली। गाड़ियां तो सब सारे लोग ऑफिस ले गए हैं, और एक गाड़ी जो घर की थी वो सर्विस के लिए गई है। आप मीठी बहन, वो एक जरूरी काम से मुझे बाहर जाना है, लेकिन घर में एक भी गाड़ियां नहीं है, तो क्या मैं आपकी स्कूटी ले जाऊं? हाँ गोपी भाभी, प्लीज चाबी दीजिए। तुझे क्या लगता है मेरी गोपी वो यहाँ नहीं पहुंच पाएगी? अरे बहुत जल्दी वो मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ पहुंच जाएगी और तू होगी सलाखों के पीछे। चुप, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं तेरी गोपी वो को यहाँ तक पहुंचने ही नहीं दूंगी।
क्या हुआ? बने प्यास लगी है? अरे तुझे तो मैंने इतना तड़पाया है, तरसाया है, मारा पीटा है कि अब पानी पिलाना तो बनता है। रोक, पानी देती हूँ। ये ले, पी पी। ऐसे क्या देख रही है? पानी है, शहर नहीं मिलाया है। चल पी। हाथ को काटा, तेरी इतनी हिम्मत? तेरा तो मुंह ही बंद कर दी। रस्सी जल गई लेकिन अकड़ नहीं गई। अब मैं देखती हूँ तुझे बचाने कौन आता है। पड़ी रह रही यहीं भूखी प्यासी। जी अभी भी चाबी वहीं रखती जहां पहले रखा करती थी। माँ जी, माँ जी, माँ जी, माँ जी, माँ जी, माँ जी, आप कहाँ हैं? हे भगवान, अब कहाँ ढूंढूं मैं माँ जी को? माँ जी, माँ जी, भगवान अब मैं क्या करूं? आपकी गोपी बहू आ गई है और आपको यहाँ से लेकर जाएगी।
बस अब आप घबराइएगा, हम जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाएंगे, बस थोड़ी देर। संभाल कर गोपी वो। थोड़ी देर में हम यहाँ से निकल जाएंगे। मैंने घर में किसी से ये भी नहीं कहा कि मैं क्या करने जा रही हूँ। देखिएगा, घर में सब लोग आपको देखकर खुश हो जाएंगे। आखिर में मैंने आपको ढूंढ लिया। उस प्रेमलता को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। चलिए माँ जी। तेरी माँ जी तो कहती थी कि तेरी माँ जी और तू एक दूसरे को एक दूसरे की आहट से पहचान लेते हो। तो आज क्या हुआ? धोखा खा गई? अपने आप को बहुत होशियार चालाक समझती है, पुलिसगिरी करती है, ये मत भूल। जिस होशियारी की स्कूल में तूने अभी अभी दाखिला लिया ना, उस स्कूल की मैं हेडमास्टर हूँ। तू चाह कर भी मुझे कभी नहीं हरा सकती। मैं तो अच्छी तरह से जानती थी कि कुत्ते जैसी नाक है तेरी। सुनते सुनते अपनी माँ जी को ढूंढने तू यहां पहुंच ही जाएगी। इसीलिए तेरे आने से पहले ही मैंने तेरी माँ जी को उड़नछू कर दिया। अब क्या करेगी माँ जी की गोपी बहू? देखो देखो तुम्हें क्या चाहिए। तुम क्यों मेरी माँ जी के पीछे पड़ी हो? क्या बिगाड़ा है उन्होंने तुम्हारा? कुछ नहीं बिगाड़ा है तेरी माँ जी ने। बस मेरा एक दिन मन हुआ कि मैं कोकिला शेठानी की जिंदगी जीऊं, तो बस बन गई मैं कोकिला मोदी और कोकिला शेठानी। प्लीज ऐसा मत कर, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ूंगी। प्लीज तुम्हें क्या चाहिए बताओ, मैं सब कुछ लाकर तुम्हें दे दूंगी। प्लीज मेरी माँ जी को तकलीफ मत दो। प्लीज मुझे एक बार मिलवा दो उनसे। ए! तेरी ये इच्छा अधूरी रहेगी। इस जीवन में तू अपनी माँ जी से कभी नहीं मिल पाएगी। चल निकल यहां से, निकल। रोना बंद कर वरना ऐसा वीडियो मंगवाऊंगी तेरी माँ जी का जिसमें तू अपनी माँ जी की मौत का मातम देखेगी। नहीं नहीं नहीं, प्लीज ऐसा कुछ मत कर, मेरी माँ जी को कुछ मत कर। तो जा यहां से। हाँ, जाती हूँ यहां से। साथ निभाना साथिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।